Assalamualaikum dear students, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। So, आज हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर है फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम क्या है स्टॉइकोमेट्री। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा कि स्टॉइकोमेट्री हम किसे कहते हैं, स्टॉइकोमेट्री को हम पढ़ते क्यों हैं, फिर इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत हमें स्टॉइकोमेट्री में क्यों पड़ती है। अगर एक इक्वेशन बैलेंस है तो इसको हम स्टॉइकोमेट्री में डिस्कस करते हैं, नॉन बैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम स्टॉइकोमेट्री में डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। और मैं शुरू से डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि मेरे इस चैप्टर को पढ़ाने का जो मेथड है वो थोड़ा अलग है। इस चैप्टर में मैं पहले आपको एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, मॉलिक्यूल के बारे में, कंपाउंड के बारे में, फार्मूला यूनिट के बारे में, तो मॉडर्न डेफिनेशन भी आप लोग को समझाऊंगा और लास्ट ऑफ एमसीक्यूज जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आता है कि ये जो वर्ड स्टॉइकोमेट्री है इसको हम प्रोनाउंस कैसे करें। सो द वर्ड स्टॉइकोमेट्री, इस वर्ड को आप लोगों ने प्रोनाउंस करना है स्टॉइकोमेट्री। अक्सर लोग, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं स्टॉइकोमेट्री, कुछ लोग डियर स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं स्टॉइकोमेट्री, लेकिन अगर आप लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो क्या है स्टॉइकोमेट्री। तो स्टॉइकोमेट्री का मतलब क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ये दो ग्रीक वर्ड की कॉम्बिनेशन है। एक को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं स्टॉइकियन और दूसरे को हम क्या कहते हैं मेट्रॉन, मैट्री या मैटर। स्टॉइकियन का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टॉइकियन मींस एलिमेंट, स्टॉइकियन मींस एलिमेंट, मेट्रॉन मींस या मेट्रॉन मींस मेजरमेंट। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ स्टॉइकोमेट्री हमारे पास बेसिस कैसे आती है कि द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की मेजरमेंट को फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जब हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन से एलिमेंट की मेजरमेंट करते हैं या फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहां पर वर्ड कर दो इक्वेशन का, क्योंकि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन डीएसएस क्या होता है, फर्क होता है। केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जबकि केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट होने किस चीज में या फॉर्मेशन कर रहे किस चीज की, वाटर की। अब इन स्पीशीज को जो आपस में रिएक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो बनती है स्पीशीज इनको हम किस चीज का नाम देते हैं प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि क्या ये केमिकल रिएक्शन होगा या ये केमिकल इक्वेशन होगा, इस पॉइंट को याद रखना कि दिस इज केमिकल इक्वेशन, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर यही चीज मैं एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करूं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराऊं एक्सपेरिमेंटली और इसकी फॉर्मेशन करूं वाटर की, नाउ दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जबकि केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहला पॉइंट, स्टॉइकोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। दूसरी डिफिनेशन हमारे पास क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी द क्वांटिटेटिव, द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करें,
इस चीज का नाम देंगे दिस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। तो अक्सर होता है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि स्टोइकोमेट्री इज, स्टोइकोमेट्री क्या है, स्टोइकोमेट्री इज, स्टोइकोमेट्री हमारे पास क्या है, यहां पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और क्या है डी ऑप्शन। स्टोइकोमेट्री इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टोइकोमेट्री इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस। स्टोइकोमेट्री इज बोथ ए एंड बी, एंड स्टोइकोमेट्री इज बोलेंगे मींस दिस इज ए एंड बी और यहां पे क्या आता है नन। सो स्टोइकोमेट्री इज, दिस इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ये क्वांटिटेटिव ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इस पॉइंट को याद रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी देयर One is called qualitative analysis and second one is qualitative, this is what a quantitative analysis. Qualitative analysis means what is present inside. ये आप लोग की क्लास है। For example, दरवाजा बंद है और बाहर से कोई शख्स आ रहा है, तो उसको ये नहीं पता कि क्लास में कोई है या नहीं है। तो जब वो दरवाजा खोलता है तो उसको ये पता चल जाता है कि अगर स्टूडेंट है तो वो कहता है कि क्लास में क्या स्टूडेंट मौजूद है। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, मींस व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड, अंदर क्या मौजूद है। सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, दिस इज अ कप ऑफ वाटर, ये आप लोगों के पास एक कप है जिसमें वाटर मौजूद है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि इस पानी में क्या आपको नजर आ रहा है कि कुछ मौजूद है, तो आप लोग का जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर हम इस पानी को टेस्ट कर लें, अगर पानी मीठा हुआ तो इट मींस इस पानी में क्या मौजूद है, शुगर मौजूद है, और अगर पानी खट्टा हुआ तो इट मींस इस पानी में क्या मौजूद है, साल्ट मौजूद है। तो हमें ये पता चल रहा है व्हेन वी टेस्ट वाटर, जब हम पानी को टेस्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या मौजूद है। सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, दिस इज हाउ मच इज प्रेजेंट, मच इज प्रेजेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मींस व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड, क्वांटिटेटिव मींस हाउ मच इज प्रेजेंट, कितना मौजूद है। अब देखिए क्लास का दरवाजा खुला, पता चला कि क्या मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद है, कितने स्टूडेंट मौजूद है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन से होते हैं, एक आप लोग के पास क्या होता है, फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड दिस टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इस टेस्ट को हम यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दूसरा टेस्ट हमारे पास क्या होता है, दिस इज बायस टेस्ट, बायस टेस्ट हमारे पास क्या है, दिस इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड मौजूद है या डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, जिसको ब्रोमिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं, तो अगर कलर से डीकलराइज हुआ, ब्राउन कलर डीकलराइज हुआ, तो इट मींस डबल बॉन्ड मौजूद है। सो ब्रोमिनेशन टेस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दिस इज अ फेलिन टेस्ट, फेलिन एंड टॉलिन टेस्ट, टॉलिन टेस्ट भी हमारे पास क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हमारे पास किस चीज की एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि क्वांटिटेटिव की क्या एग्जाम्पल है, तो क्वांटिटेटिव की एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। यहां से मैं एक एग्जांपल कराऊंगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस।
फॉर एग्जाम्पल डीएसएम हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दीज आर दी टाइप्स ऑफ, ये हमारे पास किसके टाइप्स है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्यों, चूंकि इसमें क्वांटिटी को क्या है मेजर करते हैं। तो अगर डीएसएम में आप लोग से यहां पे एमसीक्यूज में पूछूं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा हमारे पास क्या है क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैं इसको सही कर लूं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कौन सा हमारे पास क्वालिटेटिव भी है और क्या है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर हम स्टडी कर रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक को और हम चले गए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, नहीं, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक इज ये टाइप है इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, इसीलिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या होता है। ए ऑप्शन यहां पे आप लोग के पास, दिस इज बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन है हमारे पास फॉर एग्जांपल कंबस्टन एनालिसिस, कंबस्टन एनालिसिस। बी ऑप्शन है फॉर एग्जांपल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल। सी ऑप्शन है बोथ ए और डी ऑप्शन है आप लोग के पास नन। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इस पॉइंट को याद रखना है स्टूडेंट्स कि कंबस्टन एनालिसिस इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या सेकंड ईयर के लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दिस इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो फर्स्ट पॉइंट साइकोमेट्री में हम डिस्कस करते हैं किस चीज को, एलिमेंट की मेजरमेंट, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनता है, 10 ग्राम रिएक्टेंट के कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, 10 ml वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट से कितने ml वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट या क्यूब ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, 10 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल रिएक्टेंट के जो है वो बनेंगे। तो इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी इसमें सामने इस पॉइंट को याद रखना है कि इसमें मैं पहले अब एटम के बारे में पढ़ाऊंगा, मॉलिक्यूल के बारे में, कंपाउंड के बारे में, क्यों, क्योंकि इसके बाद जब हम मोल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो वहां मैं एटॉमिक मास की बात करूंगा, मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा, फार्मूला मास की बात करूंगा, आयनिक मास की बात करूंगा, तो इन सारी चीजों का आप लोग को पता होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट आप लोग के पास ये आता है कि व्हाट इज एटम, तो ये जो एटम है इसकी डेफिनेशन क्या है एमसीक्यू। पुराने जमाने में डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट डिफिनेशन इसकी क्या थी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज, जो क्या है, विच इज इंडिविजिबल या इंडिवाइजिबल, जिसको हम मजीद छोटा नहीं कर सकते। तो ये ए ऑप्शन आप लोग का हो गया। अभी पुराने जमाने में ठीक था, लेकिन आजकल अगर हम डीएसएम डिस्कस करें तो हम क्या कहते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इट मींस मतलब क्या हुआ कि ये डेफिनेशन गलत है, क्यों, चूंकि एटम को हम मजीद छोटा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एटम को हम छोटा नहीं कर सकते, तो मैं इस ऑप्शन को मैं नहीं लगा सकता। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेकंड डेफिनेशन हमारे पास डीएसएम क्या क्या आई कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर विच, जो क्या होता है, विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, जो हमारे पास पूरे देश में आजादाना तौर पे नहीं रह सकता। तो ये बात ठीक थी, क्यों, चूंकि हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है ये एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन जो है ये एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में। लेकिन जब ये इस डेफिनेशन को अप्लाई किया गया किस चीज पे, नोबल गैसेस में, तो नोबल गैसेस का जो छोटा से छोटा जरा होता है वो
तो ये डिफिनेशन नॉन मेटल वगैरह में अप्लाई हो रही थी, लेकिन नोबल बेसिस पे ये अप्लाई नहीं हो रही थी, तो इस वजह से इस डिफिनेशन को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। थर्ड डिफिनेशन हमारे पास बेसिस के आई की द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो क्या करता है, व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, हिस्सा लेता है। अब ये बात भी ठीक आ रही थी, क्यों, चूंकि हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन के लिए हिस्सा में लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन सब केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन फिर जब बीएस नोबल बेसिस इसको अप्लाई किया गया तो अब नोबल बेसिस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, तो इस वजह से ये डिफिनेशन क्या हुई, गलत हुई। आजकल जो मॉडर्न डिफिनेशन है वो क्या है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो क्या कर सकता है, विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, which may or may not exist independently and can take part in a reaction, जो अब देखिए डेफिनेशन कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि जो आजाद नहीं रह सकते, can जो रह सकते हैं, मतलब ये डेफिनेशन अप्लाई हो रही है नोबल बेसिस पे, वो रह सकते हैं, एंड कैन नॉट जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, ये नॉन मेटल में भी अप्लाई हो रही है, तो नोबल बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसी तरह मेटल भी कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड कैन का मतलब क्या, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले भी सकते हैं और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो है क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not, जो रह भी सकते और नहीं भी रह सकते आजादाना तौर पे और केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, such that upon smallest particle of matter is called water, this is called atom। अब दिमाग का टाइम हो रहा है।